नागपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के रुके हुए काम को पूरा करना कुछ जगहों पर अतिक्रमण है। उस जगहों के अलावा अन्य जगहों पर भी हम सुरक्षा दीवार बनाएंगे। उसके बाद अतिक्रमण वाली जगह पर कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रविवार को नागपुर दौरे पर आए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की गई है। जल्द ही अड़ंगों का निवारण कर लिया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत देश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 2023 तक 1000 सेंटर शुरू किए जाएंगे। इनमें से 945 केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। ये सभी केंद्र दिसंबर के अंत तक चालू हो जाएंगे। देश में मेहनती खिलाड़ियों की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी का नहीं करना चाहिए। मुझे बोलना है कुछ, पहले कुछ इंटरेस्ट है। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ प्रेस क्लब नागपुर का कि आपने एक बार फिर अपने बीच में आने का अवसर दिया। बीच में थोड़ा गैप रहा कोविड के कारण भी, लेकिन नागपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, एयरपोर्ट से निकलते ही मेट्रो की लाइन आपको दिखती है, चौड़ी सड़कें दिखती है, साफ सुथरा शहर दिखता है। हम ये तो कहते थे मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने देश भर में सड़कों का जाल बिछाया है, और कई बार कल्पना नहीं होती कि कहाँ 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 38 किलोमीटर एक दिन में नेशनल हाईवे बनता है। कोई कल्पना इस देश में नहीं कर सकता था कि क्या दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है, या फिर अमृतसर से दिल्ली 3.5-4 घंटे में। हम लोग मेरठ जाते थे दिल्ली से तो 3.5-4 घंटे लग जाते थे, आज 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। ये नए भारत में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, और इसी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली है, शताब्दी, राजधानी, सब ट्रेनों में बैठे, लेकिन वंदे भारत का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है। कई जगह जहाँ पे लोग पहले हवाई जहाज से जाते थे, आज ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि समय बचता है। हर क्षेत्र अगर हम देखें तो वहाँ पर आज एक नई ऊंचाइयां देश छू रहा है। पिछले 5 वर्षों में जहां एक और एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई, वहीं पर आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर टाटा ने हवाई जहाज का भी दे दिया। तो उसका मतलब आने वाले समय में ना केवल हवाई अड्डे ज़्यादा होंगे, बल्कि एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। रेलों की दृष्टि से कहाँ 2.5-3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछता था, आज 8 किलोमीटर तक पहुँच गया है। ये अपने आप में दिखता है कि भारत में जहाँ एक और आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं सरकार की ओर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इस बार के बजट में आज तक का सबसे बड़ा बजट रखा गया, 10,00,000 करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है। और इसी तरह से रेलवे के लिए अगर 2014 के मुकाबले देखें तो 9 गुना ज़्यादा बड़ा बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपये का। गरीबों के लिए अगर पक्के मकान बनाने के लिए देखें तो जहां 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि है, यानी कि 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उसके लिए किया गया है। एक के बाद दूसरा सेक्टर आपको देखने में नजर आएगा कि कैसे एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे गोवर्धन ही ले लो, 500 नए प्लांट लगेंगे, या हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि जब मैं नितिन जी के शहर में और देवेंद्र जी के शहर में, इसलिए ये बात जरूर करना चाहूँगा कि अब हाइड्रोजन की गाड़ी नितिन जी ने हमें सबसे पहली बार दिखाई। लेकिन अब इसमें क्या होने वाला है, अब हिंदुस्तान में मिक्स ऑफ पेट्रोल एथेनॉल वाली गाड़ियाँ मिक्स के साथ, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और अब ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी गाड़ियाँ आपको उपलब्ध होंगी भविष्य में। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक मानसी की रिपोर्ट।